सो है गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस सौरभ जैसे ब्लॉग्स को तो आपको मालूम ही होगा, इंडिया के सबसे बड़े ब्लॉगर है, नंबर वन ब्लॉगर है और उसके यूट्यूब पे 18 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। हाल ही में गाइस सौरभ जैसे ब्लॉग्स अपने पूरे फैमिली के साथ अपने गाँव गए हुए थे। आज हम जा रहे हैं गाँव पूरी फैमिली, लेकिन गाइस उसी मौके का फायदा उठाते हुए एक बंदे ने 29 अक्टूबर रात के 3 बजे उसके घर पे चोरी किया। गाइस मुझे डर सा लगता है, पूरी फैमिली आते हैं ना, डर सा लगता है पता नहीं क्यों। अब गाइस मैं आप सबको बताता हूँ हुआ क्या था, ठीक है, एक्चुअली कैसे चोरी हुआ। तो गाइस 29 अक्टूबर रात को 3 बजे एक बंदे ने सबसे पहले जो है उसके घर पे एंटर किया एक दीवार से, ठीक है, और दीवार जो है टूटा हुआ था। सुनने में आ रहा गाइस वो दीवार जो है एक हाथी ने तोड़ दिया था। उस दीवार के अंदर से गाइस वो चोर जो है सबसे पहले एंटर करता है उसके घर पे, और घर पे जाने के बाद जो है गाइस सबसे पहले वो ये करता है, सीसीटीवी कैमरा का जो वायर होता है उसको सबसे पहले जो है कट देता है। सीसीटीवी कैमरा का वायर कट कर देने के बाद गाइस घर के अंदर जाता है, जाने के बाद इन्वर्टर को भी ऑफ करता है, ठीक है। उसके बाद जाता है सौरभ जोशी ब्लॉग्स के रूम पे। आप सबको मालूम ही होगा गाइस सौरभ जोशी ब्लॉग्स के रूम पे बहुत ही एक्सपेंसिव सामान सब रहता है, जैसे कि जिससे वो एडिट करते हैं, मैकबुक्स वगैरह और बाकी कैमरा मोबाइल्स, बहुत सारा एक्सपेंसिव चीज़, ठीक है। और प्ले बटन भी आप सबको मालूम ही होगा, गोल्डन प्ले बटन, डायमंड प्ले बटन, सारा कुछ उसके रूम पे ही रहता है, और एक स्टूडियो भी उन्होंने बनाया था, ठीक है। तो गाइस उस चोर ने उस रूम के अंदर जाने के बाद बहुत सारा सामान चुराया ऐसा सुनने में आ रहा है, लेकिन गाइस क्या क्या सामान लिया है ये तो अभी क्लियर मैं आप सबको बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे भी अभी मालूम नहीं है। लेकिन गाइस अभी ये पता चल रहा है उसके घर के सामने एक घर था और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, ठीक है। तो उस घर की सीसीटीवी कैमरे में सारा वीडियो फुटेज जो है कैद हो चुका है, वो चोर कैद हो चुका है। सो गाइस ये न्यूज़ सुन के तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, आपको कैसा लगा गाइस मुझे कमेंट कर देना। और सौरभ जैसी ब्लॉग्स की तरफ से तो कोई सा अपडेट अभी तक नहीं आया है गाइस, लेकिन ये न्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा सच्चा है, क्योंकि उत्तराखंड के न्यूज़पेपर में ये इंसिडेंट का न्यूज़ छपा है, ठीक है। तो गाइस मुझे जितना न्यूज़ पता चला था मैं आप सबको शेयर कर चुका हूँ, और गाइस अगर कोई सा अपडेट मिले तो आप सबसे ज़रूर से शेयर करूँगा। तो गाइस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, मिलता हूँ आप सबसे ऐसी किसी कमाल की ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय एंड लव यू ऑल।